नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पे आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए। तो आज भी कुछ वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि LHB कोच और आपका वंदे भारत जो अभी ICF ने बनाया है, ये हाई स्पीड ट्रेन है। और ICF कोच जो है, ये आपका जो ट्रेन होती है, ये अभी आस्ते आस्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद में आपका LHB कोच ही चलेगी, इसके बाद में फिर से नया कुछ। आज जिस ट्रेन के बात करेंगे, मैंने अभी वंदे भारत के लिए बहुत सारे आप लोगों के पास में वीडियो पेश किया है। तो आज का जो वीडियो बनेंगे वो आपका एक वंदे भारत के टॉपिक के ऊपर होगा। आप लोग जानते हैं कि जो वंदे भारत यानी ट्रेन सेट 18 जो बने है, ये आपका सेमी हाई ट्रेन CR कार सिस्टम से होती है और ये ट्रेन आपका 600-650 किलोमीटर दिन का टाइम चलने वाला। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सस्पेंशन वंदे भारत यानी 1018 सेट के बारे में सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। मैं बीके दत्ता, मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, नेक्स्ट वीडियो देखना शुरू। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस 16 कोच में एक रेक बनते हैं और 4 कोच में एक यूनिट बनता है और उसमें DTC, MC, TC, MC या तो NDTC, MC, TC, MC इस रेक माने कोच के एक यूनिट के फॉर्म। सभी कोच के सेकेंडरी सस्पेंशन एक ही किस्म के होते हैं। इनके जो मेन जो आपका बॉडी बोगी कनेक्शन जो है, आपका पीवोट सिस्टम है, लेकिन बोस्टर इसमें जो रहते हैं LHB कोच में, इनमें बोस्टर लेस आपका बोगी बॉडी कनेक्शन है। तो मतलब ICF जैसे आपका बॉडी से पी बोर्ड उतरते हैं, इस सिस्टम से ये वंदे भारत का पी बोर्ड सिस्टम वही तरीका के है। कहते हैं ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को ऑब्जर्व करने के लिए सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या लगे हैं इसमें आपका ट्रैक्शन सेंटर लीवर, जो कि आपका 2 ट्रैक्शन रॉड से आपको इंस्टॉल किया गया, नीचे में एंड कैप से उसको सील कर दिया गया है। और इस बोगी फ्रेम में आपका इस सिस्टम में आपका एंटी रोल बार लगे हुए है, जो कि आपका मिडिल पोर्शन में बॉक्सेंस का मिडिल पोर्शन में। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाएंगे कि वंदे भारत यानी 1018 सेट के बोगी असेंबली में सेकेंडरी सस्पेंशन में आपको क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि LHB को सेकेंडरी सस्पेंशन में आपको नेस्टल टाइप के कॉयल रहते हैं और उस जगह में और एक अल्टरनेटिव आपका एयर बेलो सिस्टम होता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका जो सेकेंडरी सस्पेंशन है टोटली आपका एयर बेलो सिस्टम यानी एयर स्प्रिंग सिस्टम है। और आपके 2 आपका 50 लीटर के ऑक्जुलरी रिजर्वर यानी एयर बेलो में 2 बेलो पर बेलो के लिए एक ऑक्जुलरी रिजर्वर रखा है 50 लीटर के होते हैं और वो दोनों को कनेक्ट किया गया आपको डुप्लेक्स चेक। लेबलिंग वाल्व जो लगे होते हैं एक बोगी में 2 साइड में, जो कि आप लोग जानते हैं कि कार बॉडी का जो हाइट है ये लेबलिंग वाल्व उनको मेंटेन करते हैं। तो मतलब LHB कोच में जैसे आपका CBC लगे होता है, इनमें भी CBC लगे है, लेकिन वो आपका एंड टू एंड मतलब डाइविंग कोच के सामने में एक और आपका पीछे में जो आपका गार्ड कैप जो होता है उनके पीछे में एक, किस लिए लगे होते हैं एक CBC मतलब एक रेक में 2 खाली CBC लगे रहते हैं, इसलिए कि कोई कारण से कुछ प्रॉब्लम होने से इस रेक में तो उनको आपको लोकोमोटिव से हाउल करने के लिए। इसके बाद में जो अंदर में जो आपका जितना भी आपका ये है कपलिंग है वो है आपका सेमी परमानेंट कपलर बेलनर के होते हैं। आप लोग जानते हैं कि CBC के जो हाइट होते हैं वो आपका MT में 1105 और लोड में 1030 तक वेरी करता है, 75 mm आपको वेरिएबल पोजिशन रहता है। लेकिन इनमें जो सेमी डेलनर कपलर जो सेमी परमानेंट डेलनर कपलर जो लगे है वो आपका उनके जो हाइट है वो आपका 1105 में नहीं होता है, ये है 940 mm के लिए। उसी लिए इनके जो आपका एयर होस है ये एयर होस का
जो पाइप लेंथ है वो भी थोड़ा से छोटे है। इलेज भी जो कोच है उनके जो एयर स्प्रिंग में जो हाइट मेंटेनेंस किया जाता है 294+0-5, तो इनमें भी ऐसी टाइप का कुछ होना चाहिए, लेकिन इनका कोई इन्फॉर्मेशन मेरा पास अभी तक आया नहीं, आने से आप लोगों को बताएंगे। लेवलिंग वाल्व में आपका जो एमआर प्रेशर आ रहे है आने के बाद में आपका वो आपका लेवलिंग वाल्व इनपुट आउटपुट होने से आपका 50 लीटर ऑक्सिलरी रिजर्वर होके लेवल आपका एयर बेलो में और सप्लाई होगा। उधर एक डुप्लेक्स चेक वाल्व बैठा है दो बेलो का बीच में, जो कि डिफरेंशियल प्रेशर बेलो में कुछ प्रॉब्लम होने से डिफरेंशियल 1.5 bar होने से वो क्या करते हैं ऑटोमेटिक आपका ये डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑन हो जाता है, और एक लेवलिंग वाल्व से ये और एक लेवलिंग वाल्व को लाइन को क्लियर करता है, और इमरजेंसी स्प्रिंग में उस टाइम में आपका कार रेस्ट करता है और उसी तरीके से चलता है। लेकिन इस तरीके का घटना होने से अपना ब्रेक होगा 60 km/h में चलने वाला। तो चलिए अभी हमने जो सेकेंडरी सस्पेंशन में लगे हुए एयर बेलो जो कि एमआर प्रेशर से चलते हैं, आप लोग जानते हैं दो प्रेशर पाइप होता है, एक एमआर प्रेशर इस गाड़ी में और एपी प्रेशर नहीं रहते हैं, और एक बीपी प्रेशर का पाइप इसमें जुड़े हुए होते हैं। अभी मैं बोलेंगे कि ये जो आपका एमआर प्रेशर आते हैं कहाँ से, आप लोग जानते हैं कि लोकोमोटिव हाउलिंग में एमआर प्रेशर लोको से ही बनते हैं, कंप्रेसर और कंप्रेसर मशीन इस लोकोमोटिव में ही रहते हैं। लेकिन ये वंदे भारत जो एक्सप्रेस है इसमें आपका हर डीटीसी या तो मिडिल कोच में एनडीटीसी में आपको कंप्रेस एयर बनने के लिए 4 कोच को एक यूनिट में सप्लाई करने के लिए और चलने के लिए एक कंप्रेस मशीन आपका एनडीटीसी या डीटीसी में लगा, ये कंप्रेस एयर जो डीटीसी और एनडीटीसी में लगे रहते हैं ये आपका 4 यूनिट को चलाते हैं, और ये प्रेशर आपको इस 4 कोच को बांटते हैं, और हर कोच में लगे हुए 275 का जो आपका रिजर्वर होता है एक ब्रेक के लिए काम कराता है, और एक का आपका एयर बेलो सिस्टम में जाने के लिए काम करते हैं। अभी ये कंप्रेस एयर A07 से आपका इक्वलाइजिंग कंप्रेस एयर जो पाइप है उनमें से सप्लाई होता है, और ईपी यूनिट में B07 में सप्लाई आते हैं, उधर से आपका सप्लाई आएंगे आपका B01 में ईपी यूनिट बॉक्स में, उधर आपका एक आपका आइसोलेटिंग कॉक एयर बेलो के लिए होते हैं, और आपका एक आपका प्रेशर स्विच होते हैं आपका उसी बॉक्स में लगे हुए, और वो प्रेशर स्विच में जो करंट सिस्टम है ये आपका जो इनमें जो सेल्फ प्रोपल्शन सिस्टम है उनके सर्किट डायग्राम से जुड़े हुए हैं। कोई भी कारण से प्रेशर अगर डिफरेंस कुछ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी को 60 km/h करा देंगे। 01 में आइसोलेटिंग कॉक के बाद में 75 लीटर सप्लाई जाएंगे, 75 लीटर जो एयर बेलो सप्लाई आपके इसके बाद में आपका 2 बोगी में बांटेंगे, 2-2-4 एयर बेलो में, 1 बोगी में 2 एयर बेलो है उनमें जाएंगे। उनमें जब जाएंगे तो उसके बाद में वो जाके लेवलिंग वाल्व इनपुट होंगे, लेवलिंग वाल्व इनपुट होने के बाद में आउटपुट में एयर बेलो सप्लाई होंगे, उसके बाद में डुप्लेक्स चेक वाल्व, डुप्लेक्स चेक वाल्व के बाद में आपका आएंगे ये जो बोगी है, इस बोगी का बगल में एलबी बॉक्स है, इस एलबी बॉक्स में कनेक्ट होगा ये 1 type of FIBA जो कि एलएचबी कोच में होता है, कि ऑटोमेटिक कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिक आपका ब्रेक लगते हैं एलएचबी कोच में, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं लगते, ये फीवा यूनिट बोलने से एलबी बॉक्स जो है, इस एलबी बॉक्स में आपका प्रेशर स्विच 2 रहता है और 1 isolating cock रहता है 1 बोगी के लिए, और ये सब प्रेशराइज सिस्टम जो है पूरा आपका एक जो डीटीसी मतलब ड्राइविंग ट्रेनिंग कोच में TCMS एक जो स्क्रीन है जो कि ट्रेन कंट्रोलिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसी में सब दर्शाते हैं, और उधर इसके कुछ भी प्रॉब्लम होने से वो प्रॉब्लम उधर ही जाके आप लोगों को सबको दिखाते हैं,
कि क्या फॉल्ट हुआ, करना क्या होगा। तो मतलब यार सस्पेंशन में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो ड्राइविंग कैब में ड्राइवर को पता चलेगा कि कोई एयर बेलो आपको पंक्चर हुआ, कौन सा एयर बेलो पंक्चर हुआ, कौन सा एयर बेलो से प्रेशर निकल गया, कौन सा यूनिट में, कौन सा कोच में क्या हुआ, सब उनको दिखते हैं। और उधर वो संकेत आपका DDS स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे, प्रॉब्लम क्या हुआ, करना क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। तो इसी तरीका से ये सिस्टम आपको सेकेंडरी सस्पेंशन एयर बेलो सिस्टम में चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग एक वंदे भारत एक्सप्रेस का सेकेंडरी सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ लगे हैं और उसमें क्या काम कर रहे हैं, तो विशेष करके एयर बेलो सिस्टम कनेक्शन किस तरीके से जा रहा है और वो किस तरीके से ऑटोमेटिक आपका सिस्टम के पेज हो जाएंगे और किस तरीके से उसको ऑपरेशन करके ड्राइवर ने लेके जाते हैं, इनके बारे में बातचीत किए हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कुछ भी जानकारी होगा तो आप लोग जानकारी करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।